1520 में आज के दिन फर्डिनांड मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की थी। 1660 में आज के दिन लंदन में द रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। 1676 में आज के दिन बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के उपजाऊ क्षेत्र और महत्वपूर्ण बंदरगाह पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था। 1821 में आज के दिन पनामा ने स्पेन से आजाद होने की घोषणा की। 1893 में आज के दिन न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया था। 1912 में आज के दिन इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया के आजाद होने की घोषणा की। 1954 में आज के दिन महान भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी का निधन हुआ था। सन 1942 में इन्हें प्रथम परमाणु भट्टी बनाने में सफलता मिली। वे इटालियन भौतिकी विज्ञानी एम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1956 में आज के दिन चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए। 1962 में आज के दिन बंगाल के प्रसिद्ध दृष्टिहीन गायक केसी डे का निधन हुआ था। 1966 में आज के दिन डोमिनिकन रिपब्लिक ने संविधान अपनाया। 1996 में आज के दिन कैप्टन इंद्राणी सिंह एयरबस A300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। 1997 में आज के दिन प्रधानमंत्री आई के गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था।